हेलो व्यूअर्स, अमेज़न और फ्लिपकार्ट की जो सेल वो लाइव हो चुकी है, तो इसीलिए मैं आपको टॉप 5 बेस्ट सेलिंग ईयरबड्स बताऊंगा जो कि आप इस सेल में बाय कर सकते हो। एंड ये ईयरबड्स आपको नॉर्मली 1700 से 1800 के बीच में देखने को मिलते हैं, बट अभी आप इन्हें 1500 के अंदर आराम से बाय कर पाओगे और कार्ड ऑफर लगाओगे तो आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छे ईयरबड्स है, बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप अच्छे समझकर अपने एक परफेक्ट ईयरबड चूज कर सको। तो गाइस, जो फर्स्ट ईयरबड है वो आता है डीजो की तरफ से, डीजो बर्ड्स पी। एंड ये ईयरबड्स हाफ इन ईयर डिजाइन के साथ आते हैं जैसे कि एप्पल के एयरपॉड्स हैं, और इनमें आपको कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.3 मिलता है और कनेक्टिविटी भी काफी सीमलेस है, 10 मीटर तक की रेंज में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एंड साथ में रियलमी लिंक ऐप का भी सपोर्ट दे रखा है जिसमें आप ऑडियो को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको 39 के बड़े साउंड ड्राइवर्स मिलते हैं और इनमें जो बेस वो काफी अच्छा दे रखा है। एंड जो वोकल्स में क्लैरिटी वो भी काफी अच्छी है, एंड साथ में ट्रेवल्स में भी हाई मिड्स लो प्रॉपर सुनने को मिल जाते हैं, तो ओवरऑल साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है। और इसके अलावा बात कॉलिंग की, तो कॉलिंग क्वालिटी आपको डिसेंट सी मिल जाती है। एंड साथ में AI नॉइस कैंसलेशन भी दे रखा है जिससे आपकी बैकग्राउंड नॉइस को और भी कम कर देगा। बाकी गेमिंग के लिए इसमें आपको 88 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिलती है, तो इस पे आप BGMI जैसी गेम्स भी बिना कोई लेटेंसी के आराम से खेल पाओगे। और इसके अलावा इनमें आपको फुल टच कंट्रोल, IPX4 रेटिंग एंड वॉइस असिस्टेंट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। एंड नेक्स्ट बात बैटरी की, इसमें आपको 480mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि आपको 40 आवर्स तक का बैटरी बैकअप दे देंगे। एंड साथ में फास्ट चार्जिंग मिलती है, तो ये आपको 10 मिनट से 4 आवर्स तक का प्ले टाइम दे देंगे। बाकी बात प्राइस की, तो प्राइस जो इनका 1500 था लेकिन अभी आपको सेल में 1200 देने को मिल रहे हैं, और बैंक ऑफर लागत आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो नंबर 2 पे और यादव बोर्ड की तरफ से बोर्ड एडोप्स 131 प्रो। एंड गाइस, ये बोर्ड एडोप्स 131 का नेक्स्ट वर्जन है जो कि न्यू डिजाइन और लेटेस्ट फीचर के साथ आते हैं, और इनमें आपको कनेक्टिविटी के लिए लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.3 मिलता है एंड इंस्टेंट वगैरह पेयरिंग का भी सपोर्ट मिलता है, तो कनेक्टिविटी काफी फास्ट है। बाकी इनमें आपको 11 mm का ड्राइवर्स मिल जाते हैं एंड साथ में बोर्ड के सिग्नेचर ऑडियो क्वालिटी भी मिलता है, और बेस भी काफी अच्छा है, ज्यादा पंची बेस नहीं है फिर भी बेस अच्छा है। एंड जो वोकल्स में क्लैरिटी है वो भी काफी अच्छी है, तो ओवरऑल एक डिसेंट म्यूजिक क्वालिटी सुनने को मिल जाती है। और इसके अलावा कॉलिंग के लिए क्वाड माइक दे रखा है एंड साथ में ENC का भी सपोर्ट है जिससे आपको क्लियर कॉलिंग क्वालिटी एक्सपीरियंस मिल जाता है। बाकी बात करूँ गेमिंग की, तो इसमें 65 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिल जाती है, तो इस पे आप BGMI जैसे गेम्स आराम से खेल पाओगे, कोई भी लेटेंसी का इशू नहीं मिलता है। और इसके अलावा फुल टच कंट्रोल, वॉइस असिस्टेंट एंड IPX 5 रेटिंग मिल जाती है। और नेक्स्ट बात बैटरी की, तो इसमें 400mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि आपको 45 आवर्स तक का बैटरी देगा एंड साथ में फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट है जिसमें आपको 5 मिनट्स के चार्ज पर 60 मिनट्स का प्ले टाइम मिल जाता है। बाकी बात करूँ प्राइस की, तो इसका रेगुलर प्राइस जो 1600 रुपये का देखने को मिलता है, बट सेल में आपको 1200 से 1300 के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो अभी तो नंबर 3 पे और ये भी आता बोर्ड की तरफ से, बोर्ड एडोप्स 181। एंड गाइस, ये लॉन्च हुए 5-6 महीने हो चुके हैं, तब ये 2000 रुपए के आसपास लॉन्च हुए थे, और आज भी काफी अच्छे ईयरबड्स हैं जो कि आपको प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी और भी बहुत सारे फीचर्स ऑफर करते हैं। इनमें आपको कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.2 मिल जाता है जो कि आपको 10 मीटर तक की रेंज प्रोवाइड कर देंगे। बाकी बात करूं साउंड क्वालिटी की, इसमें आपको 10 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं एंड साथ में बोर्ड का ऑडियो सिग्नेचर क्वालिटी मिलता है, और इसकी साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है, इनमें आपको डीप और अच्छा बेस सुनने को मिल जाता है। एंड जो वोकल्स में क्लैरिटी है वो भी काफी अच्छी है, 100% वॉल्यूम पर सुनोगे तब भी इनकी आवाज फटती नहीं है, तो ओवरऑल साउंड क्वालिटी काफी अच्छी सुनने को मिल जाती है। और नेक्स्ट बात कॉलिंग की, इनकी कॉलिंग क्वालिटी भी अच्छी है, और साथ में इसमें आपको ENC का भी सपोर्ट मिल जाता है जो कि आपको और भी अच्छा कॉलिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। एंड इसके अलावा गेमिंग के लिए भी इसमें आपको 60 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिल जाती है, तो इस पे आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हो, कोई भी लेटेंसी में इशू नहीं आता है। और साथ ही साथ इसमें आपको फुल टच कंट्रोल, वॉइस असिस्टेंट, IPX 4 रेटिंग मिल जाती है। और इसके अलावा बात बैटरी की, इसमें आपको 20 आवर्स तक का बैटरी मिल जाता है एंड साथ में फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है जिसमें आपको 10 मिनट्स के चार्ज पर 90 मिनट्स का प्ले टाइम मिल जाएगा। बाकी बात प्राइस की, तो इसका प्राइस जो 1700 के आसपास देने को मिलता है, बट सेल में आपको 1200 के आसपास देने को मिल जाएगा। तो ये काफी अच्छा है, बड़े से आप जरूर कंसीडर करना, इसकी बिल्ड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, गेमिंग परफॉर्मेंस सब अच्छा मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 पे वाता ओप्पो की तरफ से ओप्पो एंड कोबर्ट्स। एंड गाइस, ये ओप्पो की तरफ से आने वाले बेस्ट सेलिंग ईयरबड्स हैं जो कि प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी और भी अच्छे फीचर्स के साथ आते हैं, और इनमें आपको कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.2 मिलता है एंड कनेक्टिविटी भी काफी फास्ट और सीमलेस है, 10 मीटर तक की रेंज में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बाकी बात करूं साउंड क्वालिटी की, तो इसमें आपको 8 mm का ड्राइवर्स मिल जाते हैं, और जो साउंड क्वालिटी है बहुत ही पीसफुल है, हर एक डिटेलिंग आपको बहुत ही प्रॉपरली सुनने को मिल जाती है, इवन जो बेस है वो भी काफी अच्छा मिलता है, ज्यादा पंची बेस नहीं है बट फिर भी आपको हर एक चीज प्रॉपर फील होगी, ओवरऑल बोलूं तो साउंड क्वालिटी एकदम टॉप नॉच। और नेक्स्ट बात कॉलिंग की, तो कॉलिंग क्वालिटी आपको डिसेंट से मिल जाती है एंड साथ में ENC का भी सपोर्ट है जो कि आपको क्लियर कॉलिंग क्वालिटी प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा गेमिंग के लिए इसमें आपको 80 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिल जाती है, तो इस पे आप BGMI जैसी गेम्स बिना कोई लेटेंसी के एंजॉय कर पाओगे एंड साथ साथ इनमें आपको फुल टच कंट्रोल और IP54 रेटिंग मिल जाती है जो कि वाटरप्रूफ के साथ साथ डस्ट प्रूफ भी है। और नेक्स्ट बात बैटरी की, इसमें 400mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि आपको 24 आवर्स तक का बैटरी कब दे देंगे एंड सिंगल चार्ज पर 6 आवर्स तक का बैटरी कब मिल जाएगा। बाकी बात प्राइस की, तो रेगुलर इसका प्राइस जो 1700 से 1800 के आसपास देखने को मिलता है, बट सेल में आपको 1500 के आसपास देखने को मिल जाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छे ईयरबड्स, इसे आप जरूर कंसीडर करना।
वॉचेस था नंबर 5 पे और यह था रियलमी की तरफ से रियलमी टेक लाइव बर्ड्स T100। एंड गाइस ये अभी एक महीने पहले लॉन्च हुए थे जो कि सबसे बेस्ट ईयरबड्स है इस प्राइस रेंज के अंदर। ये आते हैं लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.3 के साथ और रियलमी लिंक ऐप का भी सपोर्ट मिलता है जिससे आप ऑडियो को और भी कस्टमाइज कर सकते हो। और इसके अलावा गूगल फास्ट पेयरिंग का भी सपोर्ट है जिसकी वजह से आपके फोन से बहुत ही फास्ट कनेक्ट हो जाते हैं। बाकी बात करो साउंड क्वालिटी की, इसमें आपको 10 एमबी डायनामिक ड्राइवर्स मिलते हैं जिसकी वजह से अच्छा और एक पंची बेस सुनने को मिल जाता है। और इसके ऐप से आप बेस को और भी बूस्ट कर सकते हो। एंड इसके अलावा जो वोकल्स में क्लैरिटी है वो भी काफी अच्छी है एंड जो ट्रबल है वो भी अच्छे से ऑटोमाइज है, हाई मिश्रो प्रॉपर सुनने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल साउंड क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाती है। और नेक्स्ट बात करूं कॉलिंग की, इसमें आपको डुअल माइक्रोफोन मिलते हैं एंड साथ में AI नॉइस कैंसिलेशन का भी सपोर्ट दे रखा है जो कि आपको अच्छी कॉलिंग क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। एंड इसके अलावा गेमिंग के लिए इसमें आपको 88 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी दे रखी है तो इस पे आप बीजीएम जैसी गेम्स भी आराम से बिना कोई लेटेंसी के खेल पाओगे। एंड साथ ही साथ इसमें आपको फुल टच कंट्रोल, IPX 4 रेटिंग एंड वॉइस असिस्टेंट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। और नेक्स्ट बात करूं बैटरी की, इसमें आपको 28 आवर्स तक का बैटरी को मिलता है एंड साथ में फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट है जिसमें आपको 10 से चार्ज पर 2 आवर्स तक का बैटरी को मिल जाएगा। बाकी बात तो प्राइस की, तो 1600 के आसपास देने को मिलता है बट सेल में आपको 1200 या 1300 के आसपास देने को मिल जाएगा। तो गाइस ये थे टॉप 5 बेस्ट ईयरबड्स जिन्हें आप परचेज कर सकते हो एंड सारे के सारे ईयरबड्स काफी अच्छे हैं। बट फिर भी अगर आपको मेरी रिकमेंडेशन चाहिए तो मैं रियलमी, ओप्पो या बोट एयरडॉक्स 181 में से किसी एक को परचेज करता। बाकी बोट एयरडॉक्स 131 प्रो और हाफ इन ईयर डिजाइन में डीजो बर्ड्स की भी अच्छे हैं तो उन्हें भी आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि इस चैनल पे आपको बेस्ट वैल्यू ईयरबड्स एंड स्मार्ट वॉच की वीडियोस मिलती रहेंगी। एंड इसके अलावा मैं मिलूंगा आप सभी से नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पीस आउट।